हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की जो आपने ही पूछे हैं। और ये व्हाट्सअप इमेज है, इसमें क्वेश्चन आया है, टू वर्कर्स ए एंड बी टुगेदर कुड फिनिश अ वर्क इन 8 डेज। दे वर्कड टुगेदर फॉर 6 डेज एंड ए लेफ्ट द वर्क। द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय बी अलोन इन 6 डेज। How many days would each take to complete the work individually? देखो, अभी तक आपने सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चन देखे होंगे कि A requires X days and B requires Y days to complete the work or something like that. लेकिन यहाँ बात ऐसी है कि ये दोनों जो लोग हैं, आपको शायद ये अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, टू वर्कर्स, ओके, टू वर्कर्स कौन कौन है, ए एंड बी। टू वर्कर्स ए एंड बी, व्हाट दे वर्क टुगेदर, हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड, 8 डेज। कंसिडर करते हैं, लेट ए कंप्लीट द वर्क, complete the work in x days and b complete the work in y days individually, ठीक है। तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, together in 1 day they could finish 1/x + 1/y part of work. Are you getting? यानी 8 दिन में जितना काम करेंगे, यदि एक दिन की बात करें तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 1/8 part। तो इससे इक्वेशन बनता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या है फर्स्ट कंडीशन, क्या बनेगी ये फर्स्ट कंडीशन, 1/x + 1/y इज इक्वल टू 1/8। मैं इक्वेशन बना देता हूं, ठीक है। अब जरा बताइए कि दे वर्कड टुगेदर फॉर 6 डेज, 6 दिन के लिए उन्होंने काम किया, ओके। ए लेफ्ट द वर्क, ए ने फिर काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम किसने कंप्लीट किया, बी ने कंप्लीट किया। अब मुझे बताइए कि यदि एक को काम करने के लिए 1 डे लग रहे हैं, ए को, बी को काम करने के लिए 1 डे लग रहे हैं, तो हम बात करते हैं 6 दिन की। तो 6 दिन में एक काम करेगा, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 6/x + 6/y, ये सेकंड कंडीशन है, मैं बता रहा हूं, उसको समझिए जरा अच्छी तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये दोनों मिलके 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कुछ काम कर रहे हैं, बचा हुआ जो काम है वो कौन कंप्लीट कर रहा है, बचे हुए 6 दिन में सिर्फ बी कंप्लीट कर रहा है, यानी वहां क्या आएगा, 6/y इज इक्वल टू कितना काम कंप्लीट कर रहे हो, एक काम कंप्लीट कर रहे हैं। हाउ मच वर्क दे आर कंप्लीटिंग, 1 वर्क। ध्यान से समझिए इस बात को कि ये दोनों मिलके, इसको जरा और अलग तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, 6/(1/x + 1/y) इतना काम किया 6 डेज में इन्होंने, ठीक है, क्योंकि एक दिन का इतना काम है, इसका इतना काम है, तो 6 दिन में इतना काम कंप्लीट करेंगे। बचा हुआ काम कौन कर रहा है, बचे हुए 6 दिन में कौन कर रहा है, बी कर रहा है। टोटल कितना काम कर रहे हैं, एक पूरा काम कर रहे हैं। अब समझ आ गया, ऐसा भी आप कर सकते हो,
इधर यू मेक धिस इक्वेशन और धिस इक्वेशन, और उसके बाद क्या करना है, सिंपल सी बात है, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम कंसिडर करो, या वन अपॉन वाई इज इक्वल टू एन कंसिडर करो, या ऐसा ही रखो, डायरेक्टली कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ऊपर से 6 से मल्टीप्लाई करो, ये भी पॉसिबल है। ओके, तो यदि आपको उस प्रकार की एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली, मतलब फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन यदि आपको आ रही है, तो आप डायरेक्टली इसको 6 से मल्टीप्लाई करो और आपका काम हो जाएगा जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे। दूसरा ऑप्शन क्या है जो आपने 1.4 में देखा है, लेट वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू यम, तो आपके पास एक इक्वेशन मिलेगा, तो आप ये इसको अच्छी तरीके से देख लो। अब मैं बड़े बोर्ड के ऊपर इसको समझाने की कोशिश करूंगा, तो जरा आप देख रहे हो यहां, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्या इक्वेशन है जरा देखिए, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एट, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड यानी सेकंड कंडीशन का इक्वेशन क्या है, सिक्स अपॉन एक्स प्लस सिक्स अपॉन वाई प्लस सिक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वन, क्योंकि ये काम, एक काम कंप्लीट हो रहा है, वन टास्क इज कंप्लीटेड। अब मुझे बताइए इसका क्या आएगा, सिक्स अपॉन एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन वाई इज इक्वल टू वन। अब क्या करें, इक्वेशन वन को सिक्स से मल्टीप्लाई करें। ओके, मैं ऐसा करूंगा, इक्वेशन वन को सिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो तुरंत मेरा आंसर आ जाएगा, जरा देखिए, तो क्या आएगा, सिक्स अपॉन एक्स प्लस सिक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सिक्स अपॉन एट, ये इक्वेशन थ्री मिला है। अब इस इक्वेशन के क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करते वक्त क्या करना पड़ेगा जरा बताइए, इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, ठीक है। अब जरा देखिए, सिक्स अपॉन एक्स कैंसिल हो गया, अब मुझे ये बताइए, ट्वेल्व अपॉन वाई माइनस सिक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स अपॉन एट, देख रहे हो आप, वन माइनस सिक्स अपॉन एट। अब इसके कैलकुलेशन करिए, डिनोमिनेटर सेम है तो आपको पता ही चल गया होगा कि सिक्स अपॉन, सर मुझे ये समझा दीजिए ना, ट्वेल्व माइनस सिक्स अपॉन वाई आएगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर की या डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन लेते हैं, ट्वेल्व माइनस सिक्स इज इक्वल टू एट माइनस सिक्स अपॉन एट, क्या है ये, एट इंटू वन, एट माइनस सिक्स अपॉन एट, तो अब क्या हो गया, सिक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू टू अपॉन एट। अब कैलकुलेशन करिए, वन बाय वट, फोर, टू वन जा टू, टू फोर जा एट, अब कैलकुलेशन करिए, तो सिक्स इंटू फोर इज इक्वल टू वाई, सो वाई इज वाट, 24 डेज, डन है। अब ये वैल्यू पुट करिए, पुट y इज इक्वल टू 24 इन वेर यू कैन पुट दिस वैल्यू, इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन, तो क्या आएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन 24 इज इक्वल टू वन अपॉन एट। कैलकुलेशन करिए, उसको उधर लेके जाइए, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एट माइनस वन अपॉन 24। कैन यू डू द कैलकुलेशन ऑफ दिस, ओके, जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे, ये मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, एक काम करता हूँ, जरा देखिए इसको शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है, ओ व्हाट हैपेंड, चल ठीक है, ठीक है, देखिए जरा, हाँ, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 8 अपॉन 8 इंटू 24, कैलकुलेशन करिए आप, ठीक है ना, हाँ देखिए जरा हाउ इट कैन बी डन, ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 24 माइनस 8, करिए जरा,
आ रहा है? फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा और इसका कैलकुलेशन करिए और फिर आपको आंसर आएगा x इज इक्वल टू, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज व्हाट। तो 24 माइनस 8 इज व्हाट, दैट हो गया आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखा, अच्छी बात है। और फिर इसका कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 16 अपॉन 8 इंटू 24, 16 बराबर है, एट वन जा एट, एट टू जा टू, वन जा टू, टू ट्वेल्व जा, तो व्हाट दैट आंसर इज, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 12 डेज। तो a रिक्वायर्ड 12 डेज, b रिक्वायर्ड 24 डेज, ठीक है, डन। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।